2024 का विधानसभा चुनाव इस बार काफी रोचक होने वाला है। तमाम पार्टियों की तरफ से चुनाव लड़ने वालों की लंबी लिस्ट है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी में तो मानो बाढ़ ही आ गई हो। तमाम टिकटार्थी अपने आप को मजबूत टिकटार्थी साबित करने के लिए, मजबूत उम्मीदवार साबित करने के लिए एडी चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। वहीं अगर हम नारनौंद विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इस बार नारनौंद का चुनाव काफ़ी रोचक होने वाला है। करीब 23 उम्मीदवारों ने नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए आवेदन किया है। लोकसभा चुनाव में 45,000 से जयप्रकाश उर्फ जेपी के द्वारा जीत हासिल करने के बाद हर किसी को ये लग रहा है कि अब की बार कांग्रेस के उम्मीदवार की नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से जीत निश्चित है। इसलिए हर कोई टिकट हासिल करने के लिए एडी चोटी तक का जोर लगा रहा है और तमाम समर्थकों के साथ मिलकर घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी का प्रचार करते हुए अपनी ताकत का एहसास करवा रहा है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें नारनौंद के सबसे पुराने कांग्रेसी रणदीप लोहान की, तो वो भी खुद को इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदारों में सबसे प्रबल अपने आप को मान रहे हैं। इतना ही नहीं, वो हर गांव में जाकर कांग्रेस पार्टी का प्रचार तो कर ही रहे हैं, वहीं बीजेपी से हिसाब भी मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, गांव में उनके जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं वो भी इलाके में चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए गामड़ा गांव की, ऐसे लगता है कि जैसे पूरा गांव ही रणदीप लोहान के लिए एकजुट होकर टिकट की दावेदारी कर रहा हो। हर किसी की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ रणदीप लोहान का ही नाम इस कार्यक्रम के दौरान देखने को मिला। हालांकि रणदीप लोहान खुद ये कहते हैं कि टिकट केवल एक को मिलेगी, हाईकमान तय करेगा कि आखिरकार टिकट किसको मिलती है। लेकिन उनका साफ तौर से कहना है कि टिकट भले ही किसी को मिले लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता इस बार मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। हम आपको बता दें कि रणदीप लोहान जैसे ही गामड़ा गांव के अंदर पहुंचे तो उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, हर कोई रणदीप लोहान का स्वागत करता हुआ नजर आया। रणदीप लोहान के ऊपर बनाए हुए गानों की धुन पर लोग थिरकते हुए नजर आए। हो भी क्यों ना, क्योंकि जब कभी भी किसी भी तरह के सामाजिक काम की आवश्यकता होती है या सामाजिक कामों के लिए सबसे आगे आने की बात होती है तो 24 घंटे के लिए रणदीप लोहान ही जनता के सामने खड़ा नजर आता है। यही वजह है हर कोई ये कहता हुआ इस कार्यक्रम में नजर आया कि रणदीप लोहान बहुत मजबूत उम्मीदवार है और कांग्रेस पार्टी अगर रणदीप लोहान को टिकट देती है तो निश्चित रूप से उनकी जीत भी लगभग तय है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा रणदीप सिंह लोहान ने। मैं आपके लिए कोई नया नहीं हूँ, आप मेरी पिछली 3 वीडियो से जानते हैं मैं किस घर से हूँ, मैं कैसा बालक हूँ, आपके बीच में रहा हूँ, आपके बीच में घुमा फिरा हूँ, यही खेला कूदा हूँ। कोई मेरे लिए आप नए नहीं हो, मैं आपके लिए कोई नया नहीं हूँ, मेरे को ज्यादा कहने की जरूरत नहीं क्योंकि आप मेरी पिछली 3 वीडियो तो जानते हो मैं किस घर से हूँ, मैं कैसा हूँ। बड़ी बड़ी झूठ बोलना, ना तो मैंने कभी सीखा ना मैंने किया। 1993 से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जब कांग्रेस ज्वाइन की थी तो हमारा परिवार कांग्रेस से उस टाइम जुड़ा था। उसके बाद से हम लगातार कांग्रेस में, हमें कांग्रेस से कभी बाहर नहीं गए, चाहे कांग्रेस पे कितना बुरा टाइम आया अच्छा आया, हम कांग्रेस के साथ रहे। अब भी भविष्य में यही सोच लेके चल रहे हैं कि टिकट एक को मिलनी है, लेने वाले 23-24 में मैं भी एक टिकटार्थी हूँ, एक नुमाइंदा बन के आपके बीच में आऊं, मिलनी है जिसको भगवान, जिसको
किस्मत में लिख रखा उसको मिलेगी। अब तक टिकट किसी की फाइनल लिए कोई ये सोच रहा मेरी जेब में है बाबा, तो कुर्ताली गोज में ले रहा हूँ मैं, पैंताली गोज में ले रहा हूँ टिकट, अभी किसी की कोई फाइनल लिया है वो जिसकी किस्मत में उसको मिलेगी, जो मेहनत करेगा उसको मिलेगी। जो लोगों के बीच में जो जिसकी सोच अच्छी होगी जिसको लोग चाहेंगे टिकट उसको मिलेगी, ना कि किसी बड़े नेता है कहने से कोई टिकट नहीं मिलेगी। फिर भी मैं एक बात और कहता हूँ, टिकट भगवान जिसको भी देगा, मेरे को देगा तो मैं सबसे हाथ जोड़ करके समर्थन मांगूंगा, लेकिन अगर और दूसरे को देगा तो उसके लिए तन मन धन से उसके साथ कंधा से कंधा मिला करके उसको यहाँ से जो 52 साल का सूखा कांग्रेस पार्टी अपना है उसको तोड़ करके यहाँ से विधायक बना करके अब की बार राज के अंदर अपना हिस्सा डालेंगे और कांग्रेस का यहाँ से विधायक बना करके लेके जाएंगे। हम ये नहीं चाहते कि भाई मेरे को टिकट नहीं मिली मैं निर्दलीय लड़ूंगा या मेरी कुछ और सोच हो, टिकट किसी को मिले, जिसको नेता टिकट आशीर्वाद और कांग्रेस पार्टी का झंडा और डंडा लेकर आपके बीच में आएगा मैं तो उसके साथ लगकर उसका साथ दूंगा। और भाई भगवान से प्रार्थना करता हूँ जिसको भी दे अच्छा सद्बुद्धि वाले आदमी को टिकट दे चाहे दे किसी को, लेकिन मैं आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए नहीं आऊ कि 33 साल से लगातार कांग्रेस के साथ हमने हुड्डा साहब से जब बात की कि सर मैं भी टिकट मैं भी आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, पिछले 93 से कांग्रेस के साथ और 2005 से दीपेंद्र हुड्डा के साथ कंटिन्यू के साथ रहे, प्रधान जी मैं को भी टिकट मिलनी चाहिए। पिछले इलेक्शन में जो बुरा टाइम था 2019 में कोई कांग्रेस का झोला पकड़ने वाला नहीं था, हम तो उस टाइम भी कांग्रेस के साथ थे, उस टाइम कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कोई पैसों में बह गया था, कोई अपने आप के बड़े नेता गए उसके चक्कर में उस हिसाब से भाग गया था, लेकिन हम जब राजवीर को मिला उस टाइम भी यहीं पे थे, कांग्रेस में कांग्रेस का साथ दिया। प्रोफेसर संपत सिंह ने जब कांग्रेस पार्टी के एमपी के लिए टिकट लेके उस टाइम भी हम कांग्रेस में थे, हमने एक ही बात रखी है टिकट किसी को दो लेकिन दो उसको जो परिवार और पार्टी के साथ लेकर के आगे बढ़े। दूसरी बात रही बीजेपी की, बीजेपी ने हरियाणा के जनता राय के किसान मजदूर और व्यापारी को रोड पे लाके रखा, सरपंचों को रोड पे लाके रखा, आशा वर्कर आंगनबाड़ी कि जितनी मेरी माता बहने उनको भी कभी लाठी डंडे पानी के बहुत सारे दिन प्रतिदिन धरने प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर रखा, किसानों के 7 साल दिल्ली बॉर्डरों में बैठकर काटना पड़ा, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक संकल्प है जिसको हम लेकर के गांव गांव घर घर जा रहे हैं कांग्रेस का, जिन्होंने कहा है कांग्रेस पार्टी अगर सरकार आती है किसान का सबसे पहले 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बुढ़ापा पेंशन 6000 करेंगे, किसान को MSP और समर्थन मूल्य पूरा का जमींदार को देंगे, गरीब परिवार को 100 गज के प्लाट और 2 कमरे बना करके इंदिरा आवास योजना से उनको देंगे, MSP OSP ओल्ड पेंशन स्कीम जो वो लागू करेंगे, रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपया करें, जो जो हमारे 15 संकल्प जो हम गांव गांव लेकर के फिर रहे हैं उसी के तहत हरियाणा जनता मांगे हिसाब। दूसरा जो प्रोग्राम भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने छेड़ रखा है उसमें भी हमारी ये ड्यूटियां लगी कि हम गांव गांव जाकर के इसका प्रचार करें। जो बीजेपी की नीतियां है, जो लोग बीजेपी के बहकावे में आ गए थे, जात पात में बट गए थे, कुछ धर्म के लोग धर्म में बट गए थे, उन सबसे निवेदन है बीजेपी फिर दोबारा से वही चाल चलेगी, कहीं जात पात की लड़ाई करेगी, कहीं हिंदू मुसलमान की लड़ाई करेगी, आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती है आने वाला टाइम इनसे बदला लेने का और अपने बच्चों का विकास कराने के लिए, अपने गांव का विकास कराने के लिए, अपने लोगों के बीच में सुख सुविधा और समृद्धि को लाने के लिए कांग्रेस पार्टी का साथ दें। कांग्रेस पार्टी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक वो छवि है, जो उन्होंने कहा है वो किया है और जो कह रहे हैं उसको करके दिखाएंगे, उनका 10 साल का जो रिकॉर्ड था, जो 10 साल उन्होंने काम किया उस पर इस लोगों ने हरियाणा की जनता ने उस पर मोहर लगाई है और दोबारा से हरियाणा का मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बढ़ता देखना चाहते हैं। तो इसी कड़ी में आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है आने वाली 1 तारीख को कांग्रेस पार्टी या जो भी साथी टिकट लेकर आए उसके साथ हम भी आएंगे, लेकिन अगर कोई बीच में आकर के गद्दारी करता कहता है इसको वोट ना दो तो उसको भी आप दरकिनार कर करके कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद जो झंडा लेकर आपके बीच में है उसको ज्यादा से बहुत ज्यादा वोट देकर उसको जिताए और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार दोबारा से हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाए और इस देश की तकदीर बदलने में हमारा साथ दे, इसीलिए मैं आपके बीच में आया था और इन बातों को लेकर मैं आपसे एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी के बहकावे ना करके जात पात को भूल करके जात पात इलेक्शन तक हमारे को बांटने के लिए, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं, जो जाति धर्म के दंगे हुए क्या बीजेपी वाले आके उनको पूछते हैं, लेकिन भाईचारा हमारा खराब होता रहना, हम लोगों ने आप
ऑफिसरी में है, ब्याह शादी मकान कार में हम दोनों का ऑफिसरी में जाना पड़ता है, जात पात वहां नहीं देखते। लेकिन एक राजनीतिक शिकार ना होकर के इस प्रदेश के हालात को बदलने के लिए कांग्रेस पार्टी का साथ दे, इसलिए आपके बीच में हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास रीणा।